तो हरियाणा के किसी भी इलाके में जब मैं जाता हूँ, आप देखते ही हैं हुक्के और ताश पे लोग अक्सर मिल जाते हैं। मैं गोहाना विधानसभा सीट पर आया हूँ माहौल क्या है जानने के लिए। मैंने आपको अरविंद शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका कार्यालय दिखाया, जगवीर मलिक के परिवार वालों को दिखाया। अब मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ, चार लोग ताश खेल रहे हैं, छः लोग खिला रहे हैं, 10 की संख्या यहाँ पर है। हुक्का छोड़ दो थोड़ी देर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, अरे यार ये तो दोपहर में ताश खेलें, अब तो शाम हो रही। हमारे पास टाइम है भाई साहब अभी खेलने का। अच्छा कोई बात नहीं, आप चुनाव के बारे में कुछ, गोहाना के बारे में बताओ। राजनीति के मामले में कोई ज्ञान नहीं है जी। अरे ये तो बताओ इस बार, अरे रुक जाओ थोड़ा, हुक्का रुक जाओ जब तक, अरे रुक जाओ, ये हुक्का सामने हो तो बिना पीने दे। अरे रुक जाओ, किसी का नहीं, मैं आ जा। हमारी कोई डिबेट नहीं भाई साहब। एक बात बताओ, इधर हाँ जी, उनको पीने, ये तो रहा ही नहीं जा बिना हुक्के के। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है? आजाद को बनाया गया राजवीर दैया को इंडिपेंडेंट। हाँ, इस बार का चुनाव ये हरियाणा की कई सीटों पर निर्दलीय इधर उधर करेंगे क्या? हाँ, कम से कम 15 बनेंगे निर्दलीय। तो ये राजवीर दहिया जो निर्दल उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं कि जाट वोटों में बंटवारा करेंगे। नहीं नहीं, बहुत बड़ी आदमी है, समाज सेवी आदमी है, बहुत दान करता है, जो उसकी सैलरी होगी वो भी ये लगा देगा, ऐसा आदमी है। तो किस पार्टी से टिकट मांग रहे थे? तो ये अपना पता नहीं, हम तो राजवीर दहिया की वोट है पक्की, यही जीतेगा। यहाँ तो कांग्रेस जीतती रही तीन चार बार जीती, उसने काम ही नहीं किया कुछ। उतना जो ऊपर से फंड मिलता वो भी वापस भेज दिया, लगा रही अपने हल्के में। और ये अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा तो पहले जी बड़ा था, पहले ही भाग गया जीत के, और ये रोहतक से जीता, रोहतक से भी जीत के चलेगा, मिलता ही नहीं, करनाल से जीता, करनाल से चलेगा, इसको क्या वोट दे। और ये जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी का, ये तो है जीरो है, कुछ नहीं, 5,000 वोट है इनके तो। हाँ, तो इस बार निर्दलीय ज्यादा है क्या? निर्दलीय ज्यादा है। आप क्या मानो? यहाँ तो जी हुड्डा साहब की लड़ चल रही है कांग्रेस की। हाँ जी, ये कह रहे निर्दलीय की चल, नहीं निर्दलीय नहीं बनता यहाँ, यहाँ तो हुड्डा साहब की लहर है, सीएम हुड्डा साहब बने, हुड्डा साहब को देख के वोट दे रहे हैं लोग। लोग कह रहे गैर जाट, जो गैर जाट है वो एक तरफा हो रहे? नहीं ऐसी बात नहीं है, 36 बिरादरी मिलकर लड़ रही है, कोई किधर कोई किधर, पर ज्यादा लहर हुड्डा साहब की है, हुड्डा साहब का एरिया है इधर, हुड्डा साहब का। अब क्यों ये बिरादरी वाला क्या चक्कर है? लोग कह रहे बिरादरी को उतनी जी बिरादरी, आदमी आदमी देख के वोट देते हैं, आदमी कैंडिडेट बढ़िया नहीं दे रखा है यहाँ पे, दोनों पार्टी ने कैंडिडेट बढ़िया नहीं, कैंडिडेट कह रहे आजाद, ये कह रहे कांग्रेस, चलो तिल किल की समझ है, हमारी समझ तो यही है। आपके भाई साहब क्या समझ है आजाद की पार्टियाँ बता रहे हैं? आजाद की पार्टी आजाद बनेगा, विरोधी भी आजाद, राडा भी आजाद है, विरोधी भी आजाद है, राडा भी आजाद है, आजाद ही आजाद है, पब्लिक ही आजाद है, किसी की लहर नहीं इसका ना, कोई लहर नहीं, सारे ही मुंडी लगेगी और आएगी पार्टी वाले की, पार्टी वाले लौटेंगे। एक मिनट ये आजाद वाले की चौपाल है क्या? ना जी, चौपाल का कुछ नहीं है, चौपाल किसी की नहीं है, बाकी मतलब एक आदमी किसी की मतलब वो नहीं है, एक तरफा जीत होगी, कोई भी जीत सकता है। अच्छा हरियाणा के बारे में कहा जाए, पूरे हरियाणा में कोई लहर चल रही? नहीं जी, किसी की नहीं, बीजेपी रही है, कांग्रेस की मतलब सीटें लगभग बराबर ही है, थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा होगा, बाकी आजाद और दूसरे संगठन बिना सरकार नहीं बनेगी, दूसरे बगैर सहयोग बिना सरकार नहीं बनेगी, बिना निर्दलियों के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी जी। और ये जेजेपी ने लो, वो जेजेपी था जी मतलब कम वोट हैं, और इन लोग सीट आएंगी कुछ, इन लो बगैर सरकार नहीं बनेगी, सीएम है भाई यार किधर हो भाई की तरफ हो, इन्हें यहाँ निर्दलीय जिताएंगे वहाँ बैठ को बिठाएंगे, ये देख ले हमारी राजनीति क्या बात कर रहे हैं। अब की बार हमने ये पार्टी देखनी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है ना, इन ओरे गाना कांग्रेस भी और भाजपा भी देखनी है जी। अरविंद शर्मा कभी करनाल से, कभी रोहतक से, कभी कहीं से, तो अब की बार दैया को बनाएंगे जी हम तो।
ठीक है जी। डेड सपोर्टर है जी, गांव में बहुत वोट है, गोहाना में 20% वोट लग रहा, जीत है जी। यो कांग्रेस वाला 5वां बना लिया, 6वां झोटा है, कुछ नहीं कर विकास। क्यों, एक बात बताओ, लोग कहें कि आधे आधे वोट यहाँ पर है, आधे तो अकेले जाटों के और आधे में सब है, तो क्या जाटों के वोट बट रहे? बट रहे हैं, बट रहे। कितनी जगह जा रहे? 2-3 जगह बट रहे। कहाँ कहाँ? एक तो निर्दलीय के बट रहे हैं, आधा कुछ कांग्रेस के, देखो से अब एक अन्य भी है, इनेलो का भी। तो फिर गैर जाट हो तो एक जगह रहे नहीं, उनमें भी बंटवारा है, सारे का बंटवारा चल रहा है। इब कदो इब कदो नहीं वेरा होगा कि कोर ऊंट बैठेगा, नहीं वेरा दोनों सीटें पे त्रिकोणा मुकाबला है। किस पे? बरौदा और गोहाना पे। बरौदा और गोहाना दोनों में? दोनों में त्रिकोणा मुकाबला है। यहाँ से ये कपूर साहब जीते नरवाल, और यहाँ से दैया। तो कह रहे दैया साहब, तो बीजेपी कह रही कि दैया इन लोगों में वोट बढ़ जाए, बीजेपी का सेफ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, निर्दलीय यहाँ से गोहाना से दैया साहब, राजवीर दैया साहब और कपूर नरवाल बरौदा से, दोनों पार्टियों लात मारो, बीजेपी कांग्रेस दोनों लात मारो। तो ऐसा क्यों नहीं चाहिए जी? परेशान हो लिए, परेशान हो लिए इनसे, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से। हाँ, दोनों से परेशान है। कुछ नहीं, बाहर के बिठा रखे कैंडिडेट, अरविंद शर्मा कभी रोहतक से, कभी कहीं से भेज देते कर्नल, सोनीपत हल्के से। तो इसने ये कहा था कि बिकाऊ वोट है यहाँ, अब कैसे स्वीकार कर लेंगे बेटा? अब की बार पता लगेगा इसको कैसे बनती है। सीएम कोई भी आओ, निर्दलीय बनाएंगे सरकार। सीएम किसके बनने की उम्मीद लग रही? कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक बार बताओ, कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा सीटें किससे आ? कांग्रेस। कांग्रेस अकेले दम पे बहुमत पाएगी? नहीं नहीं नहीं। और बीजेपी की कितनी रह जाए? 25 सीट मुश्किल से। अभी तो मोदी जी आने वाले हैं, यहाँ तो आए रह गए, पाड़ा बैठे, विकास का नाम के नाम कुछ नहीं हो रहा, आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोला, कितने लोग मरवा दिए उसने, किसानों का आंदोलन हुआ कुछ नहीं किया, पब्लिक परेशान। और उसने अगर राजा है, सीएम प्रधानमंत्री हमारा, तो उसने ध्यान देना चाहिए, बच्चे जा रहे ड्यूटी पे, नहीं हो रहा, कुछ नहीं किया, किसानों के बारे में इस पर झूठ बोलते हैं जी, गुंडा राज। यहाँ 70-80 पर्ची आ रही है बदमाशों के नाम, 26-27 करोड़ रुपए दे दिया। चलिए ठीक।